हेलो एवरीवन सो वी आर डिस्कसिंग डिस्कस द क्वेश्चन इज फाइंड एग्जांपल्स वेयर द फोर सेल्स फ्रॉम आर इक्वल इन साइज एंड वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें मियोसिस से जो फोर डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो इक्वल बन रहे हैं और एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें मियोसिस से जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो अनइक्वल बन रहे हैं सो लेट्स द आंसर तो बेटा इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं स्पोमेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में स्पोमेटोजेनेसिस होता है स्पोम फॉर्मेशन और ओजेनेसिस होता है ओवम का फॉर्मेशन तो ह्यूम में बेटा मेल्स में जब स्पोमेटोजेनेसिस होता है तो उसके लिए मियोसिस होता है हमें पता है जो म्योसिस होता है वो जर्म सेल्स में होता है ताकि गैमिट फॉर्मेशन हो सके तो मेल्स में स्पोमेटोजेनेसिस के टाइम पर यानी स्पॉम फॉर्मेशन के टाइम पर म्योसिस से जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं साइज में जबकि ह्यूमंस में फीमेल्स में अगर आप ऊजेनेसिस देखोगे यानी ओवम का फॉर्मेशन यानी एग का फॉर्मेशन तो वो भी म्योसिस से होगा क्योंकि ओवम और एग कुछ भी बोल सकते हैं आप वो तो फीमेल गेमेट है तो उसका जो फॉर्मेशन होता है बेटा वो म्योसिस से होता है पर उसमें जो सेल्स बनते हैं वो अनईक्वल होते हैं साइज में क्लियर सो आंसर नंबर नाइन इज इन स्पमेटोजेनेसिस द फोर डॉटर सेल्स फ्रॉम म्योसिस आर इक्वल इन साइज एंड इन ऊ दे आर फाउंड अनईक्वल इन साइज सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू